साथियों जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ और मैं अपने मन की बात जरा मोदी जी को बताना चाहता हूँ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का सिस्टम है, लिक्विड ऑक्सीजन का। हालांकि ये छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें है और बढ़िया ढंग से काम करती है। ये दूसरा एक प्लांट है और कोविड के दरमियान यहाँ पर यह सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई थी पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई करने के लिए। और मैं आपको ले चलता हूँ हॉस्पिटल के जो एयर एम्बुलेंस का हेलीपैड है, यही पर पास में ही है, वहां पर मैं आपको ले चलता हूँ। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, यही पे मैंने टर्न किया है। ये हॉस्पिटल के जो सिस्टम है, ये हॉस्पिटल का स्टोर रूम है जहां पर वेंटिलेटर्स और ये किडनी के डायलिसिस के जो एडवांस्ड मशीन होती है, फिल्टर, ये सब स्टोर है। अभी कोरोना कम हो गया है, लगभग खत्म हो गया है, तो ये सब हमने कोरोना के दरमियान यूज किया था। ये इमरजेंसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर कराया था, इस पर ट्रेनिंग हमको दिया गया था। इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, फिर उसके बावजूद हमको इस पर ट्रेनिंग दिया गया था सब चीजों पर। ये तो मैं आपको एक हिस्सा बता रहा हूँ। ये काफी ज्यादा मात्रा में इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर किए गए थे, मशीन्स मंगाए गए थे और लोगों को बचाने के लिए ये तैयारी पहले से ही की गई थी। ये जो छोटी सी सैर मैंने हॉस्पिटल की कराई है, ये हमारे देशवासियों को कुछ नीचा दिखाने के लिए नहीं कराई है। ये आपने मोदी जी जो मजाक बना के रख दिया है देशवासियों का, इसके लिए मैं अपने दिल की कुछ बात रखना चाहता हूँ। इसका बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैंने ये कुछ चीजें बताई है। तो मोदी जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो कंस्टिट्यूएंसीज, हमारे जो खासदार है, जो MPs है, ये 543 कंस्टिट्यूएंसीज है। और आपने जो एक हवाई जहाज और उसका जो भी साथ में आया है, एक या दो है, उस पर जो खर्चा किया है, ये 8,500 करोड़ का है। और उसका मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के ये 10,000 करोड़ तक हो ही जाएगा। उसके बाद आपने ये विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लगभग ये भी 1,000 करोड़ के आसपास हो ही जाएगा जब तक ये बनता है। फिर आपने पुतला बना दिया 3,000 करोड़ का। ये बुलेट ट्रेनें, जबकि नॉर्मल ट्रेनें ठीक से नई सेवा दे पा रही है, उनको इम्प्रूव करने की वजह जगह पर आपने बुलेट ट्रेनों का प्रोजेक्ट, ये तो ट्रिलियन रुपीज का प्रोजेक्ट है। तो इतना सारा पैसा, ये मुझे पता है कि ये पहले दिन नहीं लगा रहे आप, कुछ चीजों का पैसा बाद में देने वाले हैं, लेकिन यही आप कुछ बेसिक सुविधाओं के बारे में भी कर सकते थे। मोदी जी हर एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर एक 10-10 करोड़ के हॉस्पिटल बना देते थे, तो आज सारे कंस्टिट्यूएंसीज में हॉस्पिटल बनकर रेडी होते और फिर भी आपके सिर्फ 5,500 करोड़ ही खर्चा होते। उसके बाद में उसको एम्बुलेंस बनाना, ऑक्सीजन का प्लांट तो 50 लाख से 10 करोड़ तक बनता है। हर इस कंस्टिट्यूएंसी में एक एक ऑक्सीजन का प्लांट अगर बनता तो भी आपके 1,000 करोड़ में हो जाते। और उसको फिर एम्बुलेंस सर्विस और ये सब बनाकर आप राज्यों को ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो चलाते थे ये हॉस्पिटल। आप इतना पैसा ये सेंट्रल विस्टा और ये पुतला जो खर्च किया है, इसमें हर एक राज्य को 4 या 5 एयर एम्बुलेंस आ सकती थी, जिसमें लोगों की जाने बचती और इमरजेंसी सामान, इमरजेंसी हेल्थ केयर स्टाफ इसकी यातायात के लिए यूज हो सकते थे। लेकिन ये सब आपको कौन बताएगा? मोदी जी, आपने ये सब सुविधा देने की बजाय लोगों को हर बार कुछ न कुछ जुमले दिखाकर लाइन में खड़ा कर दिया। आपने नोटबंदी के नाम पर ब्लैक मनी बाहर आएगा और देश का भला हो जाएगा 50 दिन में, इसके नाम पर लोगों को लाइन में खड़ा किया, लोग लाइन में मर गए। और जो घर पर पैसा न होने की वजह से मर गए, उनकी तो गिनती ही नहीं है मोदी जी। फिर आपने लॉकडाउन ऐसा किया कि दुनिया में कहीं पर भी जो हाल नहीं हुए लोगों के, वो आपने कर दिए। लोगों को रास्तों पर लाइन में लगा दिया। और इस बार आपने कोरोना की सेकंड वेव में आपकी मिसमैनेजमेंट और अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से आपने लोगों को हॉस्पिटल्स के और शमशान घाट तक के लाइन में लगा दिया। लेकिन ये चीजें आपको बताएगा कौन?
आपको अगर कोई भाजपा के लोग बताने का ट्राई करते हैं तो आप उसका पर्रिकर बना देते हो, जिसको संरक्षण मंत्री पद से का इस्तीफा देकर गोवा वापस चले जाना पड़ता है, क्योंकि आप वहां पर उसको राफेल डील में आपको स्कैंडल करना होता है, आपके दोस्तों को वो डील देना होता है, नहीं तो आप यशवंत सिन्हा बना देते हो या शत्रुघ्न सिन्हा बना देते हो। आपको सिर्फ आपकी बात सुनने वाले जेटली या निर्मला सीतारामन या और जो भी आपके जो भक्त बन चुके हैं हर्षवर्धन जैसे, ऐसे लोग चाहिए। अगर कोई आपका पॉलिटिकल अपोनेंट बोलना चाहता है तो आपकी जो टीम है ये सोशल मीडिया पर जो भीड़ियों की और मेन मीडिया के भीड़ियों की जो टीम है ये उनको देशद्रोही बना देते हैं, जैसे आपने राहुल गांधी को देशद्रोही बना दिया है और सारे अपोजिशन जो है अरविंद केजरीवाल से लेकर सब ये देशद्रोही बना दिए आप लोगों ने, या इनको हिंदू द्रोही तो भी बना देते हो। मोदी जी आपने जो चंदा जमा करने की जो मुहिम छेड़ी है ये आपकी कृपा से चल रही है अयोध्या के मंदिर के लिए। ऐसे ही मुहिम अगर आप हॉस्पिटल्स के लिए बनाते, हॉस्पिटल का चंदा, ऑक्सीजन प्लांट का चंदा, या कम से कम कोविड के रिसर्च के लिए चंदा बनाते, या वैक्सीन जमाने के लिए चंदा बनाते। आपने वैक्सीन गुरु आपको खुद को मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपने वैक्सीन की पूरी डिप्लोमेसी की वाट लगा दी। आपने वैक्सीन प्री ऑर्डर तो किए ही नहीं किसी को, जो इंडिया में वैक्सीन बन रहे थे उनको भी सपोर्ट नहीं किया और अब वो हालात से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है और टीवी मीडिया आपको वैक्सीन गुरु करके प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये आपको बताने वाला कोई नहीं है मोदी जी, आप सिर्फ एक तरफा आपके खुद की मन की बात बोलते हो। मैं तो ये कहता हूं कि आप गलती से उस पोस्ट पर आ गए हो मोदी जी, आपका कोई भी मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आपने सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही किया है। यू हैव बीन ए डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर। और मुझे मनमोहन सिंह जी की वो बात आज याद आती है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो देश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और यही बात आज मुझे साफ दिखाई दे रही है भारत में। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज से कुछ संज्ञान ले, अगर आपकी विवेक बुद्धि जागरूक है तो आप अपने पद से हट जाए और दूसरे किसी अच्छे नेता को वहां पर बिठाए, ताकि ऐसे गंभीर हालात में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे, अच्छे से नियोजन कर पाएंगे, क्योंकि ये नियोजन करना ये आपके बस की बात नहीं है, उसके लिए लोग एक्सपर्ट लोगों की बात सुननी पड़ती है, टीम वर्क करना पड़ता है, अपना ईगो बाजू रखना पड़ता है, माफी भी मांगनी पड़ती है, गलतियां स्वीकार करनी पड़ती है। ये तो नरेंद्र मोदी के क्वालिटीज में बैठता नहीं है। नरेंद्र मोदी इज अ इगोइस्टिक मैन, वन वे सिर्फ उसको ऑर्डर्स करना पसंद है, और अगर कोई ऑर्डर नहीं लेता है, मन की बात नहीं सुनता है, तो उसको नरेंद्र मोदी बिल्कुल दरकिनार कर देता है। कोई बात नहीं सुनता है तो वो जस्टिस लोया हो जाता है, कोई बात नहीं सुनता है तो अगर सवाल पूछता है तो उसको मीडिया से बाहर निकाल दिया जाता है, वो उसका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। कोई बात नहीं सुनता है अगर गलत तरीके से उठाते हैं, डेमोक्रेसी का मसला उठाते हैं, तो उनको भीमा कोरेगांव की तरह जेल में डाल दिया जाता है, उसके लिए उनके अगेंस्ट सबूत प्लान कर दिए जाते हैं। तो ये जो आपने मजाक करके रख दिया है देशवासियों का, देश का, देश के संविधान का और देश की यंत्रणाओं का, ये अगर रोकना होगा तो आपको इस पद से बाहर होना होगा, हटना होगा मोदी जी। साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये फैलना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमने किस गलत आदमी को एक सबसे ऊंची चेयर पर बिठा दिया है। और इस बात का संज्ञान भाजपा ने भी लेना चाहिए, आरएसएस ने भी लेना चाहिए, जो चुप होकर बैठ गए हैं, उन्होंने दे हैव शट देयर माउथ्स, दिस इज द टाइम फॉर बीजेपी एंड आरएसएस टू स्पीक। आरएसएस जो देशभक्ति की बात करती है, इनको कोई लेना देना नहीं है, जो लोग मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं ज्यादा, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा, मंदिर, ये संविधान की कमजोरी कर, संविधान कमजोर बनाना, देश के अलग अलग लोकतांत्रिक जो संगठन है, संस्थाएं है, उन पर कब्जा जमाना, इसके सिवाय आरएसएस को कुछ नहीं मालूम है। लोग मरे, इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये बाद में फिर से अलग से एजेंडा लेके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मोदी जी से क्वेश्चन पूछिए, उनको हटाइए और कुछ देश के लिए अच्छा कीजिए। जय हिंद साथियों।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।